सिनेमा जगत के सबसे बड़े व प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड समारोह में इस बार द शेप ऑफ वाटर का जलवा देखने को मिला। तो वहीं 60 साल की उम्र में अमेरिकन एक्ट्रेस फ्रांसिस मैकडोरमंड ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। हर साल दुनिया भर के सिने प्रेमियों और कलाकारों को ऑस्कर अवार्ड समारोह का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस अवार्ड के लिए नामांकित होना या चुना जाना काफी प्रतिष्ठित माना जाता है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में डॉल्बी थिएटर में शुरू हुए इस समारोह में शामिल होने के लिए हर बार की तरह इस बार भी देश और दुनिया की मशहूर फिल्मी हस्तियां मौजूद हैं और रेड कारपेट पर अपने जलवे बिखेर रही हैं। फैंस भी नजरें गड़ाए बैठे हैं कि इस बार उनके पसंदीदा कलाकारों को अवार्ड मिलता है या नहीं। इस बार 13 कैटेगरी में नॉमिनेट हुई फिल्म द शेप ऑफ वाटर ने 4 अवार्ड अपने नाम किए। इसके अलावा और किन फिल्मों और कलाकारों का जलवा रहा दिखाते हैं आपको। बेस्ट फिल्म के लिए द शेप ऑफ वाटर को ऑस्कर अवार्ड मिला। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी द शेप ऑफ वाटर के लिए निर्देशक गिलेर्मो डेल तोरो को मिला। इसके अलावा ओरिजिनल स्कोर का अवार्ड भी द शेप ऑफ वाटर के लिए अलेक्सांद्रे डेस्प्लाट को मिला। बेस्ट एक्ट्रेस का सम्मान फ्रांसिस मैकडोरमेंड को फिल्म 3 बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग मिसौरी के लिए मिला। लीड एक्टर का अवार्ड गैरी ओल्डमैन को फिल्म डार्केस्ट आवर के लिए मिला। क्रिस्टियन एंडरसन लोपेज और रॉबर्ट लोपेज को फिल्म कोको के गाने रिमेम्बर मी के लिए ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड ब्लेड रनर 2049 के लिए रोजर ए डिकिंस को दिया। बेस्ट शॉर्ट फिल्म के लिए द साइलेंट चाइल्ड ने बाजी मारी। इस कैटेगरी में क्रिस ओवरटन और रशेल शेंटन विनर रहे। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड एलिसन जैनी को आई तानिया के लिए मिला। वहीं बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड सैम रॉकवेल को 3 बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग मिसौरी के लिए दिया गया। इस बार ऑस्कर के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब ट्रांसजेंडर एक्ट्रेस डेनियला वेगा ने अवार्ड प्रेजेंट किया। आपको बता दें कि ऑस्कर अवार्ड समारोह सबसे पहले साल 1929 में आयोजित हुआ था। तब से हर साल फरवरी के महीने में इसका आयोजन किया जाता है। इस वर्ष विंटर ओलंपिक्स के कारण इसका आयोजन मार्च में हो रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।